अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने ए जमा बी कॉस कुवत तीन और ए नफी बी कॉस कुवत तीन की तौसी सीखी। आइए इन दो जाबतों पर हम मिसालें हल करते हैं। पहले हम ए जमा बी कॉस कुवत तीन इस जाबते के ऊपर मिसाल हल करेंगे। जैसे तीन एक्स जमा दो कॉस कुवत तीन, इस मिसाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ए की जगह यहाँ पर तीन है और बी की जगह दो है, तो यहाँ पर हम पहले अदद का मतलब यानी तीन एक्स का हमने मतलब लिया, उसके बाद जमा तीन जो है ये साबते के हो गए एक कुवत दो यानी तीन एक्स कुवत दो, उसके बाद बी से उसको जर्ब है इसका मतलब दो से उसको जर्ब करेंगे, जमा तीन ये जाबते के हो गए ए यानी उसको तीन एक्स से जर्ब है, उसके बाद जर्ब बी को दो यानी उसको दो के मुरब्बे से हम जर्ब करेंगे, उसके बाद जमा बी को तीन और बी की जगह दो है इसलिए हम दो का मकब लेंगे, बराबर तीन एक्स का मकब लेंगे, तीन का मकब जो होता है वो सत्ताईस और एक्स का मकब एक्स कुवत तीन, जमा तीन जर तीन का मुरब्बा लेंगे तीन एक्स का मुरब्बा तो तीन का मुरब्बा नौ एक्स का मुरब्बा एक्स कुवत दो उसको दो से दो बार जर्ब है, उसके बाद जमा तीन को तीन एक्स से जर्ब करेंगे तो तीन किए नौ एक्स, जर्ब दो का मुरब्बा लेंगे हम चार जमा दो का मकब लेंगे हम आठ, सत्ताईस एक्स कुवत तीन जमा इन तीनों का आपस में जर्ब करेंगे हम नौ किए सत्ताईस सत्ताईस दूनी चौपन एक्स कुवत दो जमा नौ एक्स और चार का जर्ब करेंगे नौ चौ छत्तीस एक्स जमा आठ, इस तरह जो है हम ए जमा बी कॉस कुवत तीन के जाबते के ऊपर मिसालें हल कर सकते हैं। इसी तरह ए नफी बी कॉस कुवत तीन के जाबते के ऊपर हम एक मिसाल हल करेंगे, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि दो एक्स मनफी तीन कॉस कुवत तीन ये मिसाल लेते हैं हम, यहाँ पर ए की जगह दो एक्स और बी की जगह जो है यहाँ पर तीन है, पहले अदद का हम मकब लेंगे यानी दो एक्स का मकब लेंगे, उसके बाद मनफी तीन एक कुवत दो यानी यहाँ पर दो एक्स का मुरब्बा लेंगे, उसके बाद बी से उसको जर्ब है यानी तीन से उसको जर्ब करेंगे, उसके बाद जमा तीन ए की जगह दो एक्स है यानी इसको हम दो एक्स से जर्ब करेंगे, फिर इसी तरह जर्ब बी कुवत दो यानी तीन के मुरब्बे से इसको हम जर्ब करेंगे, मनफी बी कुवत तीन यानी तीन का हम मकब लेंगे, बराबर दो एक्स का मकब लेंगे हम तो दो का मकब आठ और एक्स का मकब एक्स कुवत तीन होता है, नफी तीन दो एक्स का मुरब्बा लेंगे हम तो दो का मुरब्बा चार और एक्स का मुरब्बा एक्स कुवत दो होता है उसको दो तीन से जर्ब है, जमा इन दोनों का आपस में जर्ब कर लेंगे हम तीन दूनी छह एक्स जर्ब, यहाँ पे तीन का मुरब्बा लेंगे हम नौ नफी यहाँ पर तीन का हम मकब लेंगे सत्ताईस, बराबर आठ एक्स कुवत तीन नफी इन तीनों का आपस में जर्ब करेंगे हम चार किए बारह बारह के छत्तीस एक्स कुवत दो, जमा नौ और छह और नौ का जर्ब करेंगे छह नाम चौपन एक्स नफी सत्ताईस, इस तरह जो है हम ए नफी बी कॉस कुवत तीन इस जाबते के ऊपर मिसालें हल कर सकते हैं।